सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं सक्षम और आप देख रहे हैं डोगरा फ्रॉम पर्वत, और ये चल रही है हमारी संस्कार सीरीज। एक्चुअली मैं अभी ये ले लद्दाख हम आज ले में आए, एंटर हो चुके हैं, खारदुंगला क्रॉस कर दिया है, नूबरा की तरफ जा रहे हैं, और आज होने वाली है कैंपिंग नाइट। और लेकिन कैंपिंग नाइट से पहले हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि तुरतुक, हुंदर, डिस्किट, डबल हम कैमल्स एंड सैंड डून्स। तो ये सब आज की वीडियो में होने वाला है, तो बने रहो वीडियो के साथ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे कहाँ से जाना है और क्या करना है, कैसी सिचुएशन में और कैसे क्या करना है कैसी सिचुएशन में। जैसे कि आपको ये में सीट होता है तो क्या करेंगे, आपकी बाइक ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे, सब बताएंगे अगर आप बने रहें हमारी वीडियो के साथ। जैसे हम इस रोड के साथ बने रहते हैं, हमेशा चिपक कर रहते हैं रोड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगेंगी आपको ये वीडियोस। पुरानी वीडियोस देखना मत भूलना। तो सीरीज़ का मज़ा तभी आएगा जब आप सारी वीडियोस देखेंगे। सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट जंस्कार ले ट्रिप एंड कितना खर्चा आता है, क्या होता है, कहाँ से तेल मिलता है, कहाँ से पार्ट्स मिलते हैं, कहाँ पर डॉक्टर मिलता है, कहाँ पर सब्ज़ी मिलती है, सब बताया है। तो चलते हैं अब नूबरा वैली में। वो देखो ब्लू वाटर, वो ऊपर तक खारदुंगला भाई। ला का मतलब यहाँ पे पासिस को बोलते हैं, ठीक है। खारदुंग, सिंकू, सिंगेला, फुटकल्ला, ठीक है, सब में ला लगता है। और TSO तोसो, ये लगता है लेक्स के लिए, जैसे कि पैंगोंग तोसो, फिर सोमो रीरी, तेसो मोरीरी या बोलते हैं उसको, फिर क्या, फिर कुछ नहीं। और तेनू गड्डी च बिठा गले जवानी एले तेनू सुन। बाय द वे यहाँ पे एले की बात हो रही है लद्दाख, नॉट लॉस एंजलिस। अरे हम तो झील के पास ही पहुँच गए भाई। टॉयलेट्स देख रहे हो, वो रहा जेंट्स का, वो रहा लेडीज़ का। पहली बार मुझे लद्दाख में ऐसे टॉयलेट दिखे हैं, वरना यहाँ पे टॉयलेट पता कहता कि ऐसे होते हैं भाई, ग्रेविटी वाला टॉयलेट होता है, ग्रेविटी वाले। तुमने हैं तुम्हें अगर वो देखी हो ना स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें याद है वो जो एक वॉशरूम सा होता है जिसके नीचे पूरा गड्ढा सा होता है जिसके अंदर सारा गंद होता है, वैसे टॉयलेट है वहाँ पे, यहाँ पे। तो भाई देख सुन के बाहर बड़े मुश्किल होती घर से करके निकलो। अरे वहाँ पे कोई बेस कैंप था, ठीक है, वो शायद सिंकू नॉर्थ पोल आएगा, नहीं सिंकू नॉर्थ पोल तो निकल गया शायद। हम एंटर हो रहे हैं नॉर्थ पुल्लू में जी, अब करने लगे थोड़ा सा सेकंड मील क्योंकि बहुत भूख लग रही है क्लाइम करके। खारदुंगला रेस्टोरेंट बाय नॉर्थ पुल्लू भाई। एक बार गिर गया मैं अभी खड़े खड़े, कुछ नहीं था, आया रिवर्स किया गिर गया। नींद लगी थी, नींद नहीं सुस्ती चढ़ी हुई है, फिर रिस्ट के ऊपर सारा जोर है, मेरे हाथ में रिस्ट थी एक छोटी सी, वो सिस्ट बस्ट हो गई। पर नज़ारा देखो उधर, उधर नज़ारा तो देखो, पानी तो देखो, देख रहे हो भाई मक्खन है एकदम मक्खन। तो यार नॉर्थ ब्लू थोड़ी सी आगे निकले हैं, वो परांठे खा के बहुत नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। हाय हमें अभी 60 किलोमीटर दूर जाना है, तो इतना सुस्ती चल रहे हैं ऐसे ऐसे रो रो के मर मर के भाई। दूसरी बार बाइक गिरा दी मैंने खड़े खड़े, मैं चला रहा था करण की बाइक, उसमें और थी मिसिंग, तो उसमें थोड़ा सा जुगाड़ करके मैं चेक कर रहा था कि होता है, तो जुगाड़ काम तो कर गया। मैं जैसे बाइक पार्क करने लगा, भैया की बाइक साथ में खड़ी थी, दोनों गिर गई। हाँ शुक्र करो ज़्यादा पास नहीं खड़ी थी, तो पानी में गिरती वो बाइक। भाई ये क्या है, यहाँ के काओ जैसा है, बुल है, बट बॉडी टाइप बहुत अलग है इनका। दिस इज प्योर कोल्ड डेजर्ट भाई, देख रहे कुछ भी नहीं है भाई, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। ये देखो ग्रैंड कैनियन जैसे बड़े बड़े खाई हैं बीच में पहाड़ों के, कुछ भी नहीं है, पहाड़ एकदम पत्थर और रेत से बने हैं, कोई वाइब भी नहीं है जगह का यहाँ पे। अभी आगे देखते हैं क्या सीन है, बड़ा हो गया हाईवे, हम लेंगे
Karan enjoying the ride and me just feeling sleepy. So here is the first glimpse of 71 OMP Siachen. There is the Siachen first base. So guys, अभी हम सियाचिन के आसपास हैं. प्रताप सर आने वाला है. अगर आप जानते हो तो इन्हीं पहाड़ों पे सियाचिन के जो पोस्ट्स हैं वो हैं. और मैं आपको बता दूँ, ये हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, पर यहाँ पे ना लड़ाई नहीं होती है. बैटल ग्राउंड है पर लड़ाई नहीं होती है. यहाँ पे सिर्फ अपने अपनी पोस्ट को मेंटेन करना होता है, समझ रहे हो. स्पाइरल्स होते हैं ना, स्पाइरल्स लंबे होते हैं, गाड़ी बड़ी के लिए सही रहते हैं क्योंकि जाम नहीं लगता, मोशन ब्रेक्स नहीं होते हैं और गाड़ी सही चलती है. लेकिन हम बाइकर हैं, हम थोड़ा सा ऑफ रोड लेके देखेंगे, मज़ा आएगा. तो ठीक है ना, लेट्स डू दिस. स्लो उतारूँगा यार क्योंकि बम्प्स बहुत हैं. देखो भाई, मीटियर बस यहाँ पे मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस का डिसकॉन्फिडेंस देती है. Easy. मेरा प्रतापपुर का रास्ता, वहां पे अगम थांग्यार शक्ति और ये नींद वाले बच्चे बैठे हैं. सो क्यों रहे हो, चलो. तो ऊपर जाता भाई सियाचिन का रास्ता और ये है नुब्रा हुंदर डिस्ट्रिक्ट का रास्ता. सियाचिन हम नहीं जा रहे हैं अभी, अभी जा रहे हैं हम तुरतुक तक, लास्ट विलेज तक. वहाँ से चाइना बॉर्डर जो भी है दिखता वो देखेंगे. वही नीचे मार्केट है हल्की सी, यहाँ से थोड़ा सा सामान ले लिया जाएगा. कैंप का आज होगी कैंपिंग रात को. तो भाई हम हैं अभी खलसी में, खलसी कुछ ऐसे बोलते हैं. और ये है रिकवरी पॉइंट सियाचिन वॉरियर्स का. वॉर के टाइम पे यहाँ पे एक बेस बनता है जहाँ से सारी सप्लाईज मैनेज होती हैं और जितने भी जवान कैजुअल्टीज होती हैं सब यहीं से ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है. ये खालसा में एक बेस है. तो भाई ये है श्योक रिवर और यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है. ये देखो, दिस इज द ड्रीम कम ट्रू राइड ना भाई. सब चीज़ें कर ली इस राइड पर मैंने, जो जो सोची थी सब जगह हो गई. अब ये कुछ लास्ट दिन चल रहे हैं हमारी राइड के. कल होगा पैंगोंग, नुब्रा, देन वापस जम्मू की तरफ. एक बात बताऊं कि ये जो श्योक रिवर है ना, इसको यहाँ के लोग इसको शैतान की रिवर भी बोलते हैं. पता क्यों? क्योंकि ये रिवर कभी भी ऊपर आ जाती है और कभी भी इसका पानी कम हो जाता है और ये रोड पे भी आ जाती है बहुत बार. और इसका फ्लो किसी को समझ में नहीं आ सकता, इसका फ्लो, इसके अंदर वर्लपूल्स बनते हैं बहुत. तो श्योक रिवर इज़ वेरी अनस्टेबल वाइल्ड रिवर. अभी आगे सैंड डून जा देंगे. ये देखो ADVs चला सकते हो यहाँ पे सैंड में.
काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर मोगरा में ना। यहाँ पे हैं सैंड डून्स देख सकते हो भाई, और हमें कुछ रुकने का यहाँ के कुछ मतलब नहीं है वैसे, दूर से देख लिया अच्छा है, नया चीज़ है। बाकी आप लोग आए तो ज़रूर रुकें यहाँ पे, राइड वाइड लें, बहुत ही एडवेंचर चीज़ें हैं करने को, फैमिली के साथ आए। तो हम आ चुके हैं डिस्किट में, और वो देखो ऊपर स्टैचू, ऊपर भी जाएंगे अभी। वैसे ना ये ग्रीन ग्रीन जो एरिया ना, यहाँ पे सांस लेने का मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। बड़ी देर बाद ऐसे ग्रीनी ग्रीनी हवा जो होती है ना, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन वाली ऐसी फील आ रही है मुझे। सुबह तो मैं बस पागल ही हो गया था भाई, सांस इतनी चल रही थी। अभी चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं, हमें लास्ट ना डिस्किट जाना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। फोटो फोटो खिंचाएंगे, आधा एक घंटे की विंडो देंगे सबको, और जल्दी से निकलेंगे आगे। हम आगे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री में। डिस्किट मॉनेस्ट्री फेमस है उनके बुद्धा के स्टैचू के लिए, और यहाँ से बहुत ही अच्छा वैली का व्यू आता है। ऊपर जाता हूँ क्योंकि मेरा गला काफ़ी सूख रहा है और मुझे कुछ पीना है। वो देखो बुद्धा का स्टैचू। डिस्किट मॉनेस्ट्री में एंट्री करने के लिए 30 रुपीज़ लगेंगे आपके एंट्री टिकट के। तो फिलहाल हम भी अब हम सब की एंट्री टिकट करवाते हैं। सो वी आर एट डिस्किट मॉनेस्ट्री, एंड हमने अपने प्रेयर व्हील से जो भी प्रेयर करनी थी हमने कर दिए। हमारे पास यहाँ पे आधे घंटे की विंडो हमने रखी है कि यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो खींचे, थोड़ा पीस ऑफ माइंड ले, और फिर आगे जाए। सामने देख सकते हो बुद्धा का स्टैचू काफ़ी बड़ा है। इसको बोलते हैं मैत्री बुद्धा। मैत्री बुद्धा तो भाई हम निकल गए हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री से, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी थी। और अभी जाएंगे या हुंदर, तुरतु का प्लान हम कर रहे हैं कैंसिल। क्यों? बिकॉज यार अपना 2000 से ऊपर किलोमीटर की राइड बन चुकी है, किसी की हालत नहीं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है जाने के लिए ना। और वहाँ पे ख़ास कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, जो है वो है बॉर्डर और ये था बाइकर ग्रुप। ले का ही होता है भाई ये ग्रुप, सबको मिलते रहेंगे भाई। व्यू चेक करो कोल्ड डेजर्ट का, मन कर रहा है मैं यहीं पे कैंप करूँ आज रात को, क्या बोलते हैं? पीछे करके कहीं पे कैंप करते हैं यार, अगर परमिशन लेना पड़ेगा, पर पता नहीं क्या सीन हो, देखते हैं। जाते हैं सैंड डून्स में और फिर कैंप करते हैं। मुझे समझ नहीं आई ये सैंड यहाँ पे कैसे आई, देखो तो अलग सा ही है, मतलब जैसे किसी ने उठा के रेगिस्तान का हिस्सा यहाँ पर रख दिया हो। आज सीन बन रहा है कैंपिंग करने का हुंदर में। चिकन चिकन अपना आ गया, सामान आ गया, बस अब कैंपिंग साइट ढूंढनी है हमने, बस कैंपिंग साइट ढूंढेंगे चलते हैं। तो भाई ये है हुंदर, द लैंड ऑफ सैंड डून्स, और साथ में पानी भी है, और हम यहीं पे कैंप करने वाले हैं आज। फिलहाल हम जा रहे हैं डबल हम कैमल की राइड लेने, बाकी सारे वहाँ पर हैं, उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ आया हूँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढ लिए। अब यहाँ पे अपना कैंप करेंगे और कल सुबह निकलेंगे। सैंड डून्स भी साथ में है, एक साइड पानी है, ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़।
वेरी नाइस। यहाँ पे आरटीओ की क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, दिस लुक सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। कैंप की जगह भी ऐसी है, ऐसी है? यही पानी के साथ में सिग्नल है यहाँ पे, पूरा नेट भी चलता है। सिग्नल यहाँ पे, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो अपनी कैंप साइट जो मिल गई है, तो फिलहाल हम बाकी अपने बंदे ढूंढ रहे हैं जो कैमल के पीछे पड़े हुए हैं, उनको ढूंढेंगे, उसके बाद कैंप साइट लेके जाएंगे उनको भी। अभी फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, एक्सपेक्टेड नहीं था। गाड़ी देखो कितनी है, पूरा भरा हुआ है नुब्रा सैंड डून्स। ये कैमल हमारा ना एक दूसरे कैमल में बैठने वाला है, ठीक है ना? नुब्रा में और कुछ है करने को? नुब्रा में हाँ, इतनी रेत है, इतनी रेत है कि जम्मू में कभी देखी नहीं यार, इतनी रेत है। सोचो तो मकान पाले हुआ सही बात है, इतनी रेत है कि दस मकान मैं कह रहा हूँ, 1000 मकान में खड़े करो तभी खत्म नहीं होगी। तो भाई नेक्स्ट टाइम नुब्रा आना गाड़ी लेके, दो टिप्पर भरना, टिप्पर भरना दो या चार, पांच लगते हैं भाई, एक मकान खड़े करने ले जाना, कर पांच टिप्पर ले जाना मुफ्त में। यहाँ पे फेमस जो है ना वो है डबल हम्प कैमल राइड, क्योंकि डबल हम्प कैमल ना यहीं पे देखने को मिलता है, राजस्थान में तुम्हें नहीं मिलेगा। ये है सामने डबल हम्प कैमल्स, ठीक है। 20 मिनट की राइड देते हैं और 350 रुपीज़ चार्ज है इनका, और सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, अपना अपना रेट नहीं किसी का। आपका टिकट काउंटर से वहाँ से कटेगा। यहाँ पे सिस्टम ना बड़ा तगड़ा है, यहाँ पे नंबर लगता है एकदम प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे बिडिंग टाइप से आवाज़ हो रही है और हम वेट कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा इनके ऊपर बैठने का। इनके ऊपर बैठने का मजा ही कुछ और, ATVs आने की। हमारी बाइक्स में ना सामान सारा वहीं पड़ा है और पता नहीं हमें सामान वहाँ रहेगा वापस या नहीं रहेगा। गुलाम भी उठा रहे यार, गुलाम भी फिर से बैठ जाए। पागल हो गए सारे भाई, काफ़ी एंटरटेनिंग राइड है ये। उन्होंने पहले ना मना कर दिया था GoPro लेने से, लाइक स्टिक लंबी स्टिक नहीं ले सकते आगे तिशार की हालत बुरी है, क्यों चीख रहा मेरे पर? पीछे आ रहे गौरव भैया, उसके पीछे करण, उसके पीछे बलराम भैया, उसके पीछे नहीं तू, आगे हूँ मैं तेरे आगे, फिर टैंक बैक। गौरव भैया कहाँ मिले और क्या किया हमने इनके साथ फोन पकड़ाया और वीडियो बना रहे हमारे, हमेशा बहुत पिक्चर्स लिए इन्होंने हमारे। ये हमारे साथ थे लिंक शेट जब हमने किया था ना तब हमारे साथ थे। कहाँ हमारे हथियार, निकालो हथियार, ये रहे टैंक बैग में बम, हमला किया जाए, वो बैग बैग का हमला हो जाएगा। मैं कूदूंगा एमएल से तेरे बैग को बचाने के लिए, इसमें ग्रेनेड पड़े ये नहीं बैग लैंड बैंड है ये दही, मैं कुछ बोलना नहीं। यहाँ पे होता है हमारा सफर एंड हुंदर का, और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है कैंपिंग के रिलेटेड, कैंपिंग भी यहीं पे करने वाले हैं, तो फिलहाल हम यहीं पे एंड करेंगे। तो सबको बताना क्या बोलना है, आप देख रहे हैं डोगरा फ्रॉम पर्वत, मैं हूँ सक्षम, और क्या करें, सब्सक्राइब टू डोगरा फ्रॉम पर्वत, इनसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ठोक दे सबको कमेंट को।